इस यूनिवर्स में हर चीज़ का ऑपोजिट होता है। अगर दिन है तो रात है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। ठीक उसी तरह लाइट है तो डार्कनेस भी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं है। बट वॉट अबाउट डार्कनेस? डार्कनेस की स्पीड क्या है और क्या डार्कनेस की स्पीड लाइट से भी ज़्यादा तेज है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। सो लेट्स नो अबाउट द स्पीड ऑफ डार्कनेस। लाइट के प्रकट होने पर अंधेरा गायब हो जाता है और फिर से वापस आ जाता है लाइट के चले जाने पर। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डार्कनेस की स्पीड सेम एज लाइट की स्पीड जितनी ही होती है। बट दूसरे तरह के डार्कनेस भी होते हैं जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज होते हैं, जैसे कि शेडो। एक दूरी से एक ऑब्जेक्ट की शेडो उससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में ट्रेवल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप धरती पर हैं तो चांद पर एक शेडो बनाएं जिससे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करें। भले ही आप अपनी उंगली कुछ सेंटीमीटर्स तक मूव करें, लेकिन चांद पर जो उसकी शेडो बनेगी वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय कर चुकी होगी, वो भी उसी सेम टाइम में। इस तरह से आप एक ऐसी शेडो प्रोड्यूस करते हो जो कि लाइट बैरियर्स को तोड़ देती है। ये गलत तो नहीं है, लेकिन हम शेडो को पूरी तरीके से डार्कनेस भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की शेडो फोटोन्स और लाइट पार्टिकल्स की कमी के कारण फॉर्म होता है। इस हिसाब से डार्कनेस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल नहीं कर रहा, ये तो आपकी ओर से पॉइंट ए और पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है लाइट की स्पीड में। तो इससे पता चलता है कि शेडो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करता। ये एक भ्रम है जिसके कारण हम सोचते हैं कि शेडो एक फिजिकल थिंग है, लेकिन रियलिटी में शेडो में फिजिकल थिंग की कमी है। अब एक और चीज़ सामने आती है जो कि है एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली जगह जिसमें मटेरियल और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए ये मासलेस होता है। थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिचियो काको का कहना है, अगर कोई भी एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम है तो वो लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकता है। एक और चीज़ है जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा बेटर है, जो कि है वॉर्म होल्स। ये एक थ्योरेटिकल एंटिटी है जो कि किसी दूर के डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी पार करने में मदद करता है। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वॉर्म होल वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो डार्कनेस लाइट के कमी के कारण होता है। तो जितनी स्पीड में लाइट जाएगी उतनी ही स्पीड में डार्कनेस वापस आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डार्कनेस की स्पीड सेम एज लाइट की स्पीड जितनी ही होती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।